अस्सलामु अलैकुम व्यूअर्स, दिस इज़ आमना ज़फ़र एंड यू आर वाचिंग आमनास किचन 2020। तो आज जो है ये रेसिपी है, दिस इज़ अबाउट अ चॉकलेट ब्राउनी, फजी ब्राउनी, जिसके अंदर मैंने वॉलनट्स भी डाले हैं। तो इंग्रेडिएंट्स के आपके सामने हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लें और अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने इसके अंदर कोको पाउडर और मैदा जो है और ड्राई इंग्रेडिएंट्स चाहिए, ठीक है जी, इसको मिक्स करके रखा है। उसके अंदर एक पिंच जो है वो सॉल्ट का मैंने मिलाया है। आपको जो है वो ड्राई आइटम्स जो हैं वो एक तरफ अलग से मिक्स करके रख लें, ये मैंने छान के इस्तेमाल किए हैं। उसके अलावा इसके अंदर एक नई दोंडे जाएंगे, ठीक है जी। उसके अलावा इसके अंदर जाएगा, ये मैंने कप के अंदर एक टेबलस्पून के अंदर एक चमचा जो है वो एक टीस्पून जो है वो कॉफ़ी का घोल के रख लिया है, ठीक है जनाब। और थोड़ी सी चॉकलेट जो है उसको सॉफ्ट कर लिया है। अब आप ये देख लें, ये ड्राई आइटम्स जो हैं ये इनको मिक्स कर रहे हैं। मिक्स करने के बाद अब आपने क्या करना है, अब आपको अच्छा साथ में आपको ये करना है कि आपको इफ़ यू आर गोइंग टू बेक इट इन योर ओवन तो आप उसको 180 डिग्री पे प्री हीट कर लीजिए। अदरवाइज़ आप अपने पतीले को भी 10 मिनट पहले जो है वो मीडियम आंच के ऊपर गर्म करके रख लें, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा काम आपको ये करना है कि आपको जो ये जिसमें भी आप बेक करने वाले हैं उसके अंदर आप ये बटर पेपर जो है वो ग्रीस करके लगा लीजिए। अगर आपके पास ब्रश है तो ठीक है, अगर नहीं है तो जो है कोई मसले वाली बात नहीं है, आप हाथ से लगा लें, ठीक है जी। उसके बाद आपको क्या करना है, व्हाट यू हैव टू डू, आपने ये ग्रीसिंग कर ली। ग्रीसिंग करने के बाद अगर आपको डाउट है कि आपका स्टिक हो जाएगा तो आप उसके अंदर थोड़ा सा फ्लावर भी डस्ट कर सकते हैं। नाउ स्टार्ट करते हैं जनाब, जो ड्राई आइटम्स तो अलग कर लिए थे, अब जो वेट आइटम्स हैं उसको हमने जो है वो एक तरफ क्या किया, सबसे पहले तो हमने दोनों अंडों को लेके अच्छी तरह से बीट करना है। बीट करने के बाद उसके अंदर जो है वो हमने शुगर ऐड कर दी है। पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल किया है, कोई आइसिंग शुगर या बाज़ार की ऐसी कोई चीनी का इस्तेमाल नहीं किया है, घर में जो नॉर्मल चीनी होती है उसको पीस लिया है, ठीक है जरा। अब आप उसको और बीट करेंगे, अगर आप पिसी हुई चीनी का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपको जो है वो इस तरह बीट करेंगे और उसमें ज़रा टाइम भी ज़्यादा लगता है और थोड़ा हिसाब किताब आगे पीछे हो जाता है, ठीक है जी। चीनी को आपने अच्छी तरह मिक्स करने के बाद इसके अंदर ये मैंने डाला है जी कॉफ़ी और जो दूध मिक्स करके रखा था वो, और इसी के साथ मैंने ऐड कर दिए हैं फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वेनिला एक्सट्रैक्ट। उसके बाद इसको जो है जनाब आपने थोड़ा सा दोबारा से बीट करना है फॉर 2 to 3 seconds। उसके बाद मैंने इसके अंदर ऐड किया जनाब जो चॉकलेट सॉफ्ट करके रखी हुई थी, और इसको दोबारा अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, ठीक है जी। आपने इसको अच्छे, यू हैव टू बीट इट वेल, आपने आपका जो चॉकलेट और अंडों का जो मिक्सचर है वो अच्छी तरह से जो है वो आपस में बिल्कुल एक अच्छी कंबाइंड पोजीशन में आ जाए, ठीक है जनाब। जब ये अच्छी तरह से कंबाइंड हो जाएगा फिर इसके अंदर हम ड्राई आइटम्स को ऐड करने वाले हैं, और ड्राई आइटम्स को ऐड करने के साथ साथ हम इसको अच्छी तरह फोल्ड करेंगे, अब मज़ीद बीट नहीं करेंगे, ठीक है जी। इसके अंदर मैंने सारा मिला दिया है, अगर आप ज़्यादा बना रहे होंगे तो थोड़ा थोड़ा करके मिला लीजिएगा, ये जो है वो कम बेटर है इस वजह से मैंने, और कम था ड्राई आइटम्स तो इसलिए मैंने एक साथ डाल लिया, ठीक है जी। नाउ यू कैन सी ये अच्छी तरह से हो चुका है मिक्स, थोड़े थोड़े से लम्ज़ान हैं, आप देख सकते हैं कि मैं किस तरह से कट और फोल्ड कर रही थी, ठीक है जी। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद उसके अंदर पाउडर की कोई बॉल्स ना हो वो करने के बाद आपने क्या करना है, आपको अपने जो आपने पैन जो है जिसको ग्रीस करके रखा था उसमें आपने ये रखा, दिस इज़ द पॉइंट। इसके ऊपर आप चाहें तो चॉकलेट चंक्स ऐड कर लें, वॉलनट्स ऐड कर लें, काजू ऐड कर लें, वट एवर यू लाइक, ठीक है जी। आप जो भी ऐड करना चाहें आप इस टाइम पे करें। और माई गॉड, फिर मैंने इसको बेक कर लिया था फॉर 15 to 20 minutes, ठीक है जी। इससे ज़्यादा बेक नहीं करिएगा, ये इतने से टाइम में बेक हो जाएगा, ठीक है जनाब। तो बेक करने के बाद इसको अपनी मर्ज़ी के साइज़ में जो है वो कटिंग कर लें, और आपने ये देखा कि कितने आसानी से जो है वो डीमोल्ड हो गई थी बटर पेपर लगाने की वजह से, ठीक है जी। ये इसकी कटिंग से पहले की पिक्चर है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।